नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बेलाइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौर आपके पास पहुँच जाए तो दोस्तों लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो है कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम उनके राज्यपाल के नाम वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी लोकसभा की सीटें हैं और क्या उनकी राजधानी है इसके बारे में आज हम बताएंगे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कि भारत के अंदर अब 28 राज्य हैं और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कहीं मत जाइएगा सबसे पहले आता है हरियाणा राज्य जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी जो भारतीय जनता पार्टी से है हरियाणा के जो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं दस राज्यसभा की सीटें हैं पाँच और विधानसभा की सीटें हैं नब्बे और साइड में आपको इंडिया का मैप नज़र आ रहा है वहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है निशान आपको वो हरियाणा राज्य है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर ये है पंजाब राजधानी है चंडीगढ़ मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राज्यपाल का नाम है वीपी सिंह बदनौर लोकसभा की तेरह सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की सात और विधानसभा की सीटें हैं एक सौ सत्रह इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य पर वो है मिज़ोरम मिजोरम की राजधानी आइजोल यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोराम थंगा क्या नाम है जो रामाथंगा और जिनकी पार्टी है मीजो नेशनल फ्रंट यहाँ के जो राज्यपाल है वो है पी एस श्रीधरन पिल्लई पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर लोकसभा की सीट एक है राज्यसभा की एक और टोटल विधानसभा की सीटें हैं चालीस इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य पर वो है मेघालय यहाँ की राजधानी है शिलांग मुख्यमंत्री का नाम है कौनराड संगमा नेशनल पीपल पार्टी से हैं जो और राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक लोकसभा की दो सीटें हैं राज्यसभा की एक और विधानसभा की साठ इसके बाद चलते हैं नागालैंड राज्य पर जिसकी राजधानी कोहिमा है मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आर एन रवि यहाँ लोकसभा की सीटें हैं एक राज्यसभा की सीटें हैं एक और विधानसभा की टोटल सीट है साठ जो रेड डॉट दिख रही है आपको बिल्कुल किनारे पर ये नागालैंड राज्य है इसके बाद चलते हैं मणिपुर यहाँ की राजधानी का नाम है इम्फाल मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन्द्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल है नजमा हेबतुल्ला, लोकसभा की दो सीटें हैं राज्यसभा की एक और विधानसभा की साठ इसके बाद चलते हैं उड़ीसा राज्य पर जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल से है राज्यपाल गणेशी लाल है लोकसभा की यहाँ इक्कीस सीटें हैं राज्यसभा की दस और विधानसभा की टोटल सीटें एक सौ इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य पर वो है राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर है मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं और राज्यसभा की दस और विधानसभा की दो सौ इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले राज्य पर जिसका नाम है सिक्किम यहाँ की राजधानी है गंगटोक मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है और राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद लोकसभा की यहाँ एक सीट है राज्यसभा की एक और विधानसभा की टोटल सीट है बत्तीस जो भारत के मैप पर रेड कलर की डॉट नज़र आ रही है ये सिक्किम राज्य है बिल्कुल ऊपर किनारे पर ये नज़र आ रहा है आपको भारत का मतलब कि जोड़ है ये पूर्व और ये इस साइड का बिल्कुल पूर्वी इलाका बिल्कुल ही कट जाता है बस इससे जुड़ा हुआ है आगे चलते हैं तमिलनाडु पर जिसकी राजधानी है चेन्नई मुख्यमंत्री का नाम है के पलानी स्वामी क्या नाम है के पलानी स्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेतर कड़गम इनकी पार्टी का नाम है राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित लोकसभा की यहाँ उनतालीस सीट है राज्यसभा की अठारह और विधानसभा की कुल दो सौ चौंतीस सीटें हैं यहाँ पर बिल्कुल नीचे किनारे पर है रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो तमिलनाडु है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोसियारी लोकसभा की यहाँ अड़तालीस सीट है राज्यसभा की उन्नीस और टोटल विधानसभा की सीटें हैं दो सौ रेड कलर में इंडिया के मैप में नज़र आ रहा है जो बिल्कुल बड़ा वो महाराष्ट्र राज्य है इसके बाद आता है मध्य प्रदेश इसकी राजधानी है भोपाल मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल लोकसभा की यहाँ उनतीस सीट है राज्यसभा की ग्यारह और कुल विधानसभा की सीटें हैं दो सौ तीस रेड कलर में जो भारत के मैप में नज़र आ रहा है वो मध्य प्रदेशी है आगे चलते हैं केरल केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है लोकसभा की यहाँ बीस सीटें हैं राज्यसभा की नौ और विधानसभा की एक सौ चालीस सीटें हैं यहाँ पर इसके बाद आता है कर्नाटक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है मुख्यमंत्री का नाम है बी एस ये येदुरप्पा बी एस येदुरप्पा जो भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल का नाम वजूबाई वाला है लोकसभा की यहाँ अट्ठाईस सीट है राज्यसभा की बारह और विधानसभा की दो सौ चौबीस रेड कलर में जो किनारे पर नज़र आ रही है कर्नाटक राज्य है इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय लोकसभा की यहाँ चार सीटें हैं राज्यसभा की तीन और टोटल विधानसभा की सीटें हैं अड़सठ इसके बाद चलते हैं गुजरात राज्य पर जिसकी राजधानी गांधीनगर है मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है जो भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत लोकसभा की यहाँ छब्बीस सीटें हैं और राज्यसभा की ग्यारह और विधानसभा की एक सौ बयासी बिल्कुल पश्चिम के किनारे पर यह रेड कलर में नजर आ रहा है किनारे पर यह है गुजरात राज्य इसके बाद आता है गोवा राज्य है जिसकी राजधानी है पणजी मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी लोकसभा की यहाँ दो सीटें हैं राज्यसभा की एक और विधानसभा की चालीस ये जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल किनारे पर महाराष्ट्र के देख रहे हो आप ये देखो रेड कलर में ये गोवा राज्य है क्या है दोस्तों गोवा राज्य है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर छत्तीसगढ़ है जिसकी राजधानी है रायपुर मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके यहाँ लोकसभा की ग्यारह सीटें हैं राज्यसभा की पाँच और विधानसभा की सीटें हैं नब्बे रेड कलर में नज़र आ रहा है जो भारत के मैप पर वो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती विधाई कुरन न्यायिक और कार्यकारी विशाखापत्तनम ये इसकी राजधानी है मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड्डी है जिनकी पार्टी है वाई एस आर कांग्रेस पार्टी और राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदर हरीचंदन यहाँ लोकसभा की पच्चीस सीटें हैं राज्यसभा की ग्यारह और विधानसभा की एक सौ पचहत्तर रेड कलर में जो नजर नज़र आ रहा आपको बिल्कुल दक्षिण पूर्व में किनारे पर वो आंध्र प्रदेश ही है इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से है उप मुख्यमंत्री है यहाँ पर चौना मेन जो भारतीय जनता पार्टी से ही है राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा लोकसभा की यहाँ दो सीट है राज्यसभा की एक और विधानसभा की साठ बिल्कुल ऊपर पूर्वी किनारे पर रेड कलर में नज़र आ रहा है वो अरुणाचल प्रदेश ही है दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वो है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी यहाँ लोकसभा की चौदह सीट है राज्यसभा की सात और विधानसभा की टोटल सीटें एक इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर दोस्तों वो है हमारा उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, है। लोकसभा की अस्सी सीटें हैं राज्यसभा की इकतीस और विधानसभा की चार सौ तीन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा लोकसभा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है रेड कलर में जो नज़र आ रहा है आपको दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वो है हमारा झारखंड जिसकी राजधानी रांची है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू लोकसभा की यहाँ चौदह सीट है राज्यसभा की छः और विधानसभा की इक्यासी इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वो है बिहार जिसकी राजधानी है पटना मुख्यमंत्री फिलहाल अभी बने हैं नवंबर में नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड से पार्टी से हैं, और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो हैं राज्यपाल का नाम है फागू चौहान लोकसभा की यहाँ चालीस सीट है राज्यसभा की सोलह और विधानसभा की दो सौ तिरतालीस रेड कलर में जो नज़र आ रहा है भारतीय मैप के अंदर वो बिहार ही है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वह तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद मुख्यमंत्री है, है मुख्य के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से है राज्यपाल का नाम है तमिली से सौंदराजन लोकसभा की सत्रह सीटें हैं राज्यसभा की सात और विधानसभा की एक सौ उन्नीस रेड कलर में जो नज़र आ रहा है वो तेलंगाना ही है दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर वो है त्रिपुरा जहाँ की राजधानी है अगरतला मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल रमेश बैस लोकसभा की दो सीटें हैं राज्यसभा की एक और विधानसभा की साठ सीटें हैं भारत के मैप के अंदर जो पूर्व के अंदर बिल्कुल नीचे रेड कलर का नज़र आ रहा है जो निशान वो त्रिपुरा राज्य ही है दोस्तों इसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से है राज्यपाल है बेबी रानी मौर्या लोकसभा की यहाँ पाँच सीटें हैं राज्यसभा की तीन और विधानसभा की सत्तर इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से है उपराज्यपाल अनिल बैजल है और लोकसभा की यहाँ सात सीटें हैं राज्यसभा की तीन और विधानसभा की सत्तर भारत के मैप के अंदर जो गोल गोल डॉट नज़र आ रही है बिल्कुल हरियाणा के किनारे पर नीचे है वो दिल्ली राज्य ही है केंद्र शासित प्रदेश है हमारा इसके बाद चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर जिसकी राजधानी पुडुचेरी है और मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है उपराज्यपाल किरण बेदी है लोकसभा एक राज्यसभा की एक सीट और विधानसभा की तीस सीटें हैं भारत के मैप के अंदर जो चार जगह डॉट नजर आ रही है ये पुडुचेरी ही है इसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर दोस्तों वो है हमारा पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है राज्यपाल जगदीप धनखड़ है लोकसभा की सीटें बयालीस राज्यसभा की 16 और विधानसभा की दो सौ जो रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको तीन जगह ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल ही है दोस्तों इसके बाद चलते हैं हमारे अगले केंद्र शासित प्रदेश पर अंडेमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर उपराज्यपाल है यहाँ पर एडमिरल डी के जोशी और लोकसभा की एक ही सीट है यहाँ पर दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे जम्मू कश्मीर ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी है श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू में सर्दी यानी दो राजधानियाँ हैं गर्मी के अंदर श्रीनगर हो जाती है और सर्दी में जम्मू उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा लोकसभा की यहाँ पाँच सीटें हैं राज्यसभा की चार और विधानसभा की टोटल सीटें 107. एक ऊपर आपको नज़र आ रहा है जो रेड कलर में वो जम्मू कश्मीर ही है इसके बाद चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर जिसकी राजधानी लेह उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है और लोकसभा की यहाँ पर एक सीट है इसके बाद चलते हैं चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है हरियाणा के बिल्कुल ऊपर डॉट नज़र आ रही है जो आपको इंडिया के मैप पर वो चंडीगढ़ है इसके बाद आता है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरती है यहाँ का प्रशासक दिनेश्वर शर्मा है और लोकसभा की यहाँ सीट एक है इसके बाद चलते हैं आगे दादर व नगर हवेली और दमनदीप ये दोनों एक ही मिला मिला दिए गए हैं पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है इनकी राजधानी दमन कर दी गई है प्रशासक है प्रफुल खोदा पटेल लोकसभा की एक एक यानी दो सीट हैं अब तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें इनमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर एग्ज़ाम के अंदर सौ परसेंट पूछा जाता है तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत धन्यवाद दोस्तों